हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको टैक्सिम को सिरप यानी सिफिक्सिम सिरप का एक डिटेल रिव्यू देने वाला था। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। इस वीडियो में आपको इसके डोज के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि डोज अगर आपको मालूम रहेगी तो ही आप इस दवा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना डोज के जाने बगैर आप इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्सिम सिरप जो है ये अल्केम की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके प्राइस 53 रुपीज है और यहाँ पे आप सिर्फ 50 mg की सिरप देख रहे हैं, क्योंकि ये पर 5 ml में 50 mg यहाँ पे सिफिक्सिम मिलाई जाती है। इसके अंदर अगर मोलिकुल की बात करें तो इसके अंदर सिफिक्सिम जो है वो इस्तेमाल की गई है, लेकिन इसके 100 mg की सिरप भी आती है, 100 mg की टैबलेट आती है, 200 mg की भी टैबलेट आती है। तो चाइल्ड से लेकर एडल्ट तक जो है इसकी पूरी रेंज आती है। और टैक्सिम की ड्रॉप भी आती है जो कि 25 mg पर 5 ml में होती है मात्रा। तो यहाँ पे ये जो सिरप है टैक्सिम सिरप, इसमें 5 ml में 50 mg आपको मिलती है। आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या वर्क हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके वर्क जो हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। ये एक बेस्ट एंटीबायोटिक है और ये फीवर में, टाइफाइड वाली फीवर में, या फिर आपको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि ये बैक्टीरिया को ही किल करता है, जैसे आपको ये थोड़ी फुंसी या फिर आपको जख्म हो गए हैं या फिर कहीं पर सर्जरी हुई या फिर कट गए हैं, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही बढ़िया ढंग से उस स्थिति में इसको यूज में लाया जाता है। चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके ओवरडोज से आपके बच्चे को, या अगर आप एडल्ट हैं तो ओवरडोज अगर आप ले लेते हैं तो आपको पतले दस्त की समस्या हो सकती है और छाती में जलन जैसी समस्या हो सकती है। ये दो प्रमुख लक्षण जो है वो देखने को आपको मिल जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके डोज क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो कितनी मात्रा में, कितनी mg जो है वो इसका डोज आप दें। तो डोज इसका है पर kg 4 mg, यानी कि अगर ये 50 mg की सिरप है जिसको आप डिवाइड कर ले कि अगर आप 5 ml दे रहे हैं तो 50 mg यानी कि लगभग 12 kg के बच्चे को दे सकते हैं। 12 चौके 48 mg होती है, तो 12 kg के बच्चे को आप 50 mg तक के ये सिरप जो है वो आप दे सकते हैं। और इसमें एज भी थोड़ी सी मायने रखती है, कई बच्चों का एज जो है वो ज़्यादा होता है, वेट कम होती है, तो वहाँ पर लगभग 5 mg जो है वो आप दे सकते हैं, लेकिन 4 mg इसका स्टैंडर्ड डोज है। यानी कि पर kg आप कैलकुलेट कर ले कि अगर आपके बच्चे की वेट जो है वो 4 kg है तो इसको 16 mg के आसपास देनी है वन टाइम। इसको दिन भर में 2 टाइम ही यूज करना है, यानी कि वन डे में आप 8 mg तक मैक्सिमम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप 1 kg के हिसाब से 4 mg सुबह में, 4 mg शाम में, यानी कि अगर आपके बच्चे की एज 5 kg है तो 20 mg आप सुबह में दे सकते हैं और 20 mg आप शाम में इसका डोज दे सकते हैं। तो इस तरह की डोज अगर आप देते हैं तो आपके बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलती। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आप इस सिरप को देते हैं तो आपके बच्चे के पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी कि खाना खाने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना है, या फिर बच्चे हैं तो दूध पिलाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली पेट इसका इस्तेमाल ना करें। तो मुझे उम्मीद है कि टैक्सिम सिरप या फिर सिफिक्सिम टैबलेट सिरप की डिटेल जानकारी आपको मिल गई होगी। और इस तरह की सिफिक्सिम के बहुत सारे कंपनियों की ब्रांड आती है, जैसे कि मैं कुछ कुछ और आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ओडी सेफ ओ ड्रॉप के नाम से आती है सिरप आती है, इसके फोर्ट भी आते हैं, या फिर टैक्जोन ओ सिरप आते हैं जो कि आपको लगभग सभी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं, ट्रैक्सोल ओ की भी सिरप आती है। तो ये सब ब्रांड जो हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, इनके वर्क जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।